नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं सिराथू विधानसभा से बसपा प्रत्याशी संतोष त्रिपाठी जी, जिनसे आज हम कुछ सियासी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि बसपा चुनाव अकेले लड़ रही है इस बार, जबकि और दल गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या बसपा 2022 के चुनाव में सफल हो पाएगी? बसपा 2022 में जितनी भी पार्टियां कहीं ना कहीं लड़ रही हैं गठबंधन करके जी, तो उन लोगों का सबका, किसी का 50, किसी का 100, किसी का 10, जिसके वजह से स्वयं उनका कार्यकर्ता उनसे असंतुष्ट है कहीं ना कहीं, जो विरोध कर रहा है। माननीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, 403 विधानसभाओं में, पूरी विधानसभाओं में अकेले लड़ रही हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका कार्यकर्ता, उनके सारे सहयोगी, उनके सारे सिपाही, वे सब लोग संतुष्ट हैं इस चीज़ से। अच्छा, 2022 के चुनाव में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? 2022 में और पिछले चुनाव में जी, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 10 सालों में अन्य पार्टियों के लुभावने में जो आ गया था जी, उस चीज को वे खत्म करने के लिए इस बार पूरे उत्साह के साथ अपने पार्टी, अपने संगठन के साथ मजबूती से लगा हुआ है। इस बार वे पूर्ण रूप से सरकार सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है और वे बदलेगा। सर, विधानसभा चुनाव में जो दल बदल हो रहा है, इसका कोई फर्क पड़ेगा? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम जनता दल बदलुओं की स्थिति पर स्थिति जानती रहती है कि वे मौका परस्त होते हैं जी, जिस समय जहां जैसे माहौल देखे उस तरह अल्टी पल्टी होते हैं। पब्लिक उनको नकारती है हरदम, और इस बार भी नकारेगी। बिल्कुल सर, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति के आगे बसपा कितना टिक पाएगी, उसकी राजनीति काम करेगी? बीजेपी के ये जुमलेबाजों की सरकार, उनके पार्टी के नेताओं से आम पब्लिक इतना त्रस्त हो चुकी है कि उनकी कोई स्थिति ही नहीं बची कि आम जनमानस में जाकर अपना कुछ राय रख सके। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का हर सिपाही पूर्ण रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री के लिए आतुर है, जो 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। तो सर, 2017 के बाद ऐसा क्या हो गया कि बसपा की सरकार ही चली गई, और इस बार ऐसा क्या नया है कि आपको इतना भरोसा है कि बसपा की सरकार आएगी? इसलिए 2007 में पूर्ण रूप से बहन जी की सरकार बनी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जुमलेबाजों ने आश्वासन दिया, भोली जनता आम गांव की, वे एक बहकावे में आ गई, दोबारा उसी तरह के लुभावने में भी आ गई। सबको आम पब्लिक एक बार जान चुकी है, इसलिए 2022 में कहीं ना कहीं घूम फिर के वे बसपा का सपोर्ट करने के मूड में आ गई है। सर, सिराथू में बसपा की क्या मजबूती, मतलब कितना मजबूत है बसपा? आपके जनपद की तीनों विधानसभाओं में सबसे मजबूत स्थिति बसपा की सिराथू में है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम रहते हुए आप किसी भी गांव में चले जाइए, रोड का पता नहीं, कहीं ना कहीं हमारा पूरा द्वाबा क्षेत्र जमुना गंगा के तराई क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्र है, यहाँ सिंचित जमीनें ज़्यादा पाई जाती हैं, जो आजकल इन खुले जानवरों की वजह से उनकी खेती बाड़ी में साल भर का पूरे परिवार को चलाने के लिए अनाज नहीं होता। आपके नज़दीक में ही माँ शीतला काड़ा धाम है, वहाँ आप किसी समय पूरी मीडिया चैनल को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आए वहाँ देखें। आपको इतनी दुर्दशा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं पाई जाएगी जितनी दुर्दशा आपकी सिराथू की है। आपके हिसाब से सिराथू में इस समय क्या क्या समस्याएं हैं? इस समय सबसे ज़्यादा सिराथू की जानवरों की समस्या है, जो आज से 50 साल पहले लोग एक उलाहना दिया करते थे कि कुछ नहीं करोगे तो गोरू चराओगे। अच्छा, हमारे यहाँ भाषा में कहते थे। और इस समय हर घर से दो आदमियों को जाके कहीं ना कहीं गोरू चराना पड़ता है। अच्छा। एक आदमी रात में खेत ताकता है, एक आदमी दिन में ताकता है। अगर खेत ना ताके तो जो बीज जो बोया है उसको भी घर वापस नहीं ला पाएगा। विकास की दृष्टि से क्या समस्याएं हैं भैया?
किसी को खाने को नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा विकास की और क्या समस्या पाई जाएगी। आदमी खाने के लिए परेशान है, खाना उसको उसकी खेती नहीं हो पा रही, इससे ज्यादा दुर्दशा विकास के बारे में कुछ हो ही नहीं सकती। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे मनोज तिवारी टॉक शो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से मनोज तिवारी टॉक शो में स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, वर्तमान विधायक रहे शीतला प्रसाद जी के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं या नहीं, पहले तो यही बता दीजिए। हमारी संतुष्टि का यहाँ सवाल नहीं उठता जी। ये सवाल पूरे विधानसभा के संतुष्टि का उठता है, क्योंकि ये विधायक की संतुष्टि ही नहीं, पूरी सरकार से ही कोई संतुष्ट नहीं है, विधायक से कहाँ से संतुष्ट होगा। तो यही क्या यही एक रीजन है कि सिराथू आज तक विकास नहीं कर पाया है? सिराथू की कहीं ना कहीं जितनी भी यहाँ के विधायक बने या नेता बने, सबसे अच्छा मौका सिराथू को इस बार कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के रूप में मिले हा? लेकिन उनके रहते हुए इतनी दुर्दशा है, इसका सबसे जीता जागता सबूत आप कड़ाधाम है, उस पर एक बार नज़र देख ले कि कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ। सूत्र बताते हैं कि इस बार सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए भैया, कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी का खिताब मिला हुआ है, उनके हम एक सिपाही हैं, उनके किसी भी सिपाही से जी कोई भी प्रत्याशी कहीं भी पूरे प्रदेश में आके लड़े, सिराथू नहीं कहीं भी जी जी, उनका सिपाही हरदम मजबूती से अपने पार्टी अपने संगठन के लिए खड़ा है, उसको किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, बात करूँ अगर संतोष त्रिपाठी मतलब आपकी, तो आप राजनीति के अलावा और क्या करते हैं? देखिए, साधारणता हम एक किसान के बेटे हैं जी, व्यवसाय के लिए कहीं ना कहीं किसानी में देहात में उतना व्यवसाय नहीं है जिसके वजह से वो अपना घर परिवार अच्छी तरीके से चला सके, जिसके लिए अपने जनपद में ही जनपद के नज़दीकी क्षेत्रों में जमीनों का थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा सर, अगर सिराथू की जनता आपको विधायक बनाती है अगले चुनाव में, तो आपका पहला कदम क्या होगा सिराथू की जनता के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं सिराथू से सिराथू की जनता अगर आशीर्वाद देती है जी, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में बहन जी की सरकार आ रही है। जितना बहन जी कभी भी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करती, वे जो कहती हैं वही उनका घोषणा पत्र होता है। सिराथू की पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी, जो जो कमियां इन सरकारों द्वारा छोड़ा गया है उसको बहुत कई गुना अच्छे से बहन जी पूरे प्रदेश का विकास करेंगी, सिराथू का ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास करेंगी। सर, अंत में सिराथू की जनता के लिए कोई आपका संदेश? सिराथू की जनता से विनम्र सादर अनुरोध है कि इन जुमलेबाज सरकारों से चोर उचक्कों के डकैतों की सरकारों से आम जनता सावधान रहे। इसके पहले 2007 में या हमारी बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती चार चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका शासनकाल देख चुके हैं सारे लोग, इसलिए हम यही चाहेंगे कि सिराथू की जनता उनके कार्यकाल को देखते हुए अपना प्रत्याशी चुने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हमारे टॉक शो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना संतोष त्रिपाठी जी को, जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं सिराथू विधानसभा से, और उन्होंने बताया कि बसपा से अगर वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं और आगे विधायक बनते हैं, तो वो सिराथू की जनता के लिए क्या क्या करेंगे। ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही नेताओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।